प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू। रानो चिड़िया के शोहर ने रानो चिड़िया और उसकी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जंगल में दूसरी शादी कर ली और जंगल छोड़कर चला गया। रानो का जंगल में और कोई नहीं था, लेकिन शहर के जंगल में उसकी खाला रहती थी। रानो चिड़िया शहर में अपनी खाला टुनटुनी के पास आ जाती है। ये ले बोतल, मैंने दूध भर दिया है। अब तू जानती है ना रानो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। अब तू दूध ही को देख ले, 60 रुपये किलो हो गया है। मुझे गलत मत समझना, मैं इस बोतल के दूध के लिए नहीं बोल रही हूँ। वैसे भी अगर शोहर अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी से शादी कर ले तो पहली बीवी की ज़िंदगी तो अजाब बन जाती है। खाला, मुझे खालू जी से कहकर कोई काम दिलवा दो और रहने की थोड़ी जगह दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। देख रानो, मेरा भी अपना बेटा बहू और ख़ानदान है, मैं तुझे यहाँ रहने की हामी नहीं भर सकती, लेकिन थोड़ी बहुत रोटी सब्जी और दूध बांध देती हूँ, तू कहीं जाए तो रास्ते में तेरे काम आएगा। रुक, मैं किचन से लेकर आती हूँ। रानो जब अपनी खाला का रवैया देखती है तो चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे ये कहाँ चली गई, चलो अच्छा है बला टली, खुद ही चली गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, या तो वापस गांव चली जाती हूँ पर टिकट के पैसे भी तो नहीं हैं, या तो कोई काम ढूँढना होगा। भैया कोई काम मिलेगा कुछ भी? अरे नहीं है कोई काम वाम, चल जा यहाँ से। शहर में तो कोई काम भी नहीं दे रहा, ए अल्लाह मुझे गरीब की रहनुमाई कर। गुल्लू जल्दी जल्दी आलू छील, 300 समोसों का ऑर्डर पूरा करना है। बबलू भी बीमार है और छुट्टी पर है, तुझे मेरे साथ लगना होगा ताकि जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए। भैया जी कोई काम मिलेगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, कुछ भी काम हो आपकी दुकान पर। कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको रुको, समोसे बनाने आते हैं तुम्हें? जी भैया मुझे समोसे बनाने आते हैं, हमारे गांव के जंगल में हम त्योहार पर घर में ही सारे पकवान बनाते हैं। तो ठीक है, पहले गुल्लू के साथ आलू छीलने में मदद करो और फिर उसके बाद समोसे तलती जाना, बाकी काम मैं समझा दूंगा। रानो हलवाई की दुकान पर समोसे बनाने के काम में लग गई और जैसे जैसे वो हलवाई रानो को काम समझाता, रानो चिड़िया वैसे वैसे काम करती गई। शाम के वक्त, मिट्ठू भैया सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और गिनकर पैक भी कर दिए हैं। भाई वाह, अभी तो 5 बजने में आधा घंटा बाकी है और सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। रानो बहन, तुमने बहुत अच्छा और सफाई से काम किया है, ये लो अपनी मेहनत की कमाई, 100 रुपये रखो। भैया जी आज तो आपने काम दे दिया, लेकिन शहर में मुझे कोई नहीं जानता, अगर मेरे लायक कोई और काम भी हो तो बता देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन, तुम 1-2 दिन में आकर पता कर लेना, हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू भैया सामने रेलवे स्टेशन पर कई समोसे वाले हमसे समोसा लेकर बेचते हैं, क्यों ना इसे भी वही काम दे दिया जाए, इसका भी भला हो जाएगा और आपका भी मुनाफा होगा। हाँ कहते तो तुम ठीक हो, रानो बहन है तो मेहनती और साथ में शरीफ और ईमानदार भी दिखाई पड़ती है, इसे वापस बुला कर लाओ जरा। भैया जी आपने बुलाया? हाँ रानो बहन, मैं सोच रहा था कि तुम्हें काम की जरूरत है और तुम्हारे साथ छोटी बच्ची भी है, कहाँ कहाँ लेकर इसको भटकोगी। सामने रेलवे स्टेशन पर अगर तुम समोसा बेचने का काम करना चाहो तो तुम मेरे से समोसे लेकर सामने रेलवे स्टेशन पर बेच सकती हो। हाँ भैया जी मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे अपनी बच्ची को पालने के लिए मेहनत करनी ही होगी। तो तुम आज से ही इस काम को शुरू कर दो और समोसे बेचना शुरू करो। रानो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचने लगी। समोसे ले लो, समोसे गरम गरम समोसे ले लो, और शाम को मिट्ठू को पूरी ईमानदारी से हिसाब देती। भैया जी ये आज का हिसाब है, एक बार गिन लेते। रानो बहन मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, तुम पिछले 3 महीने से रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचने का काम कर रही हो
और पाई पाई शाम के वक्त मेरा पूरा हिसाब करती हो। मिठू भैया, जो कमरा आपने बताया था मैंने 100 रुपए किराए पर ले लिया है। ठीक किया, फुटपाथ पर छोटी बच्ची के साथ रहना ठीक नहीं। शुक्र है ठिकाना तो मिला तुम्हें। रानो चिड़िया एक दिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर समोसे बेच रही थी। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे ले लो। तभी वो देखती है कि एक छोटा परिंदा रेल पटरी पर चल रहा है और खेल रहा है। रानो उसे कहती है कि बेटे, ऐसे रेल की पटरी पर ना चलो, तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, ट्रेन आने ही वाली है। तभी वहाँ पर रानो के शोहर की दूसरी बीवी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानती थी कि दोनों का शोहर एक ही है। ए चोरनी, तू छोटे परिंदे को उठाकर भागने लगी है ना, बच्चा चोर कहीं की। मैं तुझे काफ़ी देर से देख रही थी कि तू बच्चा चुराने की कोशिश कर रही है। अरे नहीं नहीं बहन, ट्रेन आने वाली है तो इसलिए मैं छोटे परिंदे को कह रही थी कि पटरी पर ना खेले। क्या हुआ टूनी, ये शोर कैसा है? मैं पानी की दुकान से बोतल लेने गया था। अरे जी, ये चिड़िया इस छोटे परिंदे को चुराने की कोशिश कर रही थी। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। रानो को देखकर उसके शोहर के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अरे अरे छोड़ो, तुम किन कामों में पड़ गई? चलो चले, गुस्सा ना करो, ट्रेन आने ही वाली है। चोरनी कहीं की रानो अपने शोहर को दूसरी चिड़िया के साथ देखती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ट्रेन आती है और चली भी जाती है और वो काफ़ी देर उसी हालत में वहीं पर खड़ी रहती है और शाम में वापस दुकान पर आ जाती है। अरे गुल्लू, ये कौन है जो मिठू भैया को हिसाब दे रही है? अरे ये रानो बहन है। तू जब छुट्टी पर था तो मिठू भैया ने इसे तेरे पीछे काम पर रखा था। बेचारी गरीब सारा दिन प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचती है। अच्छा तो ये बात है, चलो अच्छा है। बबलू, वो तुझे मैंने शादी वाले घर का पता लिखवाया था ना, ये मिठाई के डब्बे वहाँ भिजवाने हैं। अच्छा रानो बहन, जिनके यहाँ आज शादी की तकरीब है, इन्हें शादी के छोटे मोटे कामों के लिए एक काम वाली चाहिए। तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। बबलू जा रहा है, ये तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है भैया जी, मैं चली जाती हूँ। रानो बबलू के साथ शादी वाले घर चली जाती है। जी, ये मिठू भैया ने मिठाई के डब्बे भिजवाए हैं और आपको शादी के लिए काम वाली की ज़रूरत थी, ये रानो बहन है, मिठू भैया ने इसे भेजा है। अच्छा अच्छा बबलू, ये मिठाई के डब्बे अंदर रख दो और रानो तुम किचन में चली जाओ, वहाँ नाश्ते की प्लेटें रखी हैं, वो मेहमानों के आगे लगानी हैं। बबलू मिठाई के डब्बे मेज़ पर रखता है तो वहाँ पर एक सोने की चेन पड़ी थी। बबलू जैसे ही उसे देखता है तो उसके दिल में लालच आ जाता है और वो इसे चोरी करने का सोचता है। अरे ये चेन तो बहुत खूबसूरत है, किसी को क्या पता चलेगा, चुपचाप जेब में डाल लेता हूँ। अच्छा मालकिन, मैंने मिठाई के डब्बे रख दिए हैं, रानो चिड़िया अपने काम करके घर खुद चली जाएगी, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद, मम्मी यहाँ पर मेरी सोने की चेन रखी थी लेकिन अब नहीं मिल रही, मैंने खुद अपने हाथों से रखी थी कि तैयार होकर पहनूंगी। तुम्हारी चेन अचानक ऐसे कहाँ जा सकती है, हम सब तो घर के ही हैं और अभी तो मेहमान भी नहीं आए, देखो यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। मम्मी मैंने पूरे घर में देख ली है लेकिन कहीं नहीं मिल रही, ये रानो चिड़िया आज ही काम पर आई है, कहीं इसने तो नहीं उठाई। ए इधर आ, सच सच बता, चेन तूने ही चुराई है ना? नहीं नहीं मैंने नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे अपनी बच्ची की कसम है, मैंने चोरी नहीं की। अरे तुम लोग झूठ बोलने के लिए अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हो, बेटी पुलिस को बुला तभी ये सच बोलेगी। रानो रोने लगती है तभी मिठू तोता बबलू को साथ लेकर आता है और कहता है, जाइए, ये बबलू है, इसी ने आपके घर से चेन चुराई है, इसलिए मैं इसे खुद पकड़ कर लाया हूँ। आपके घर मिठाई के डब्बे रख कर जब ये दुकान पहुँचा। बबलू तेरे गले में इतनी महंगी चेन कैसे आई? जब तू मिठाई के डब्बे देने गया था तब तो तेरे गले में ऐसी कोई चेन नहीं थी। अरे तू क्यों इतनी जासूसी कर रहा है, अपने काम से काम रख। गुल्लू सही कह रहा है,
बबलू ये चैन कहाँ से आई तेरे पास? कहाँ से आई मतलब? मिट्टू भैया मैं चैन खरीद भी तो सकता हूँ। बबलू इतनी महंगी चैन तुम इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते। ये चैन कम से कम 50,000 की है। सीधी तरह बता दो तुमने ये चैन कहाँ से चुराई है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर बबलू ने सच बोल दिया और मैं इसे यहाँ ले आया। रानो बहन चोर नहीं है, मैं रानो बहन को पिछले कई महीनों से जानता हूँ। माफ करना बेटी, मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं मालकिन, आपकी चेन मिल गई, मेरे लिए यही बहुत है। मिट्ठू भैया आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगने से मुझे बचा लिया। अगर आप ना होते तो मैं चोरी के इल्ज़ाम में जेल में होती। अरे मिट्ठू भैया, अगर ये इतनी मेहनती है तो क्यों ना ये हमारे घर में ही काम पर लग जाए, मैं इसे अच्छी तनख्वाह दूंगी। ये तो रानो बहन के लिए बहुत खुशी की बात है। रानो बहन तुम यहाँ रहकर अपनी गुड़िया की देखभाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगी। मिट्ठू बबलू को पुलिस के हवाले कर देता है और रानो उसी घर में काम पर लग जाती है और वहीं पर अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।